नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर आपके ही अपने चैनल जूनियर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही चुके होंगे थंबनेल में कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम रीजनिंग का एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादातर आता है। ठीक है, आप इस टॉपिक की बात करें तो आप व्यापम का देख लें, RRBJEE देख लें, RRBNTPC देख लें, RRBBanking के एग्ज़ाम देख लें, SSC के कोई से भी एग्ज़ाम, तो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग ऐसा नहीं है कि टफ सब्जेक्ट है, रीजनिंग बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कितने कम समय में एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो सब लोग बना लेते हैं इसके, लेकिन विद द एक्यूरेसी आप बना पा रहे हो या नहीं, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम जो आज टॉपिक आपके सामने है, टॉपिक काउंटिंग फिगर। ठीक है, काउंटिंग फिगर मीन्स क्या होता है, आकृति गिनना, तो इसके बारे में हम जानेंगे, हर टाइप यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और 100 ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बस काउंट कर लिए हमने, ऐसा कुछ नहीं है, आपको 100 ट्रिक मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। देखिए दोस्तों, जब तक आपको ये आप पूरी वीडियो ना देख लें तब तक आप कहीं ना जाइएगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ आज नया सीखोगे, ये 100% आपसे हमारा वादा है। ठीक है, तो आज हम देख लीजिए टाइप फर्स्ट देखने वाले हैं किसका, आज हम त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। किसके, त्रिभुज, जो त्रिभुज से रिलेटेड आकृति सबसे ज़्यादा आती है एग्ज़ाम में, त्रिभुज होता क्या है, ये त्रिभुज है। अब इसमें बोल देंगे काउंट करिए कितने इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, आप सिंपल सा बता दोगे कि इसमें एक त्रिभुज है। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, देख लीजिए, मैं यदि इसको बढ़ा देता हूँ, तो अब हमने बोला कि बताइए, काउंट करके बताइए इसमें कितने फिगर हैं, आप आसानी से बता दोगे 1, 2 और एक ये पूरा 3। ठीक है, देखिए कहाँ से, एक तो ये हो गया, सॉरी ये पूरा, ठीक है ये, और फिर एक ये, तो आपने बता दिया 3 त्रिभुज हैं यहाँ पर, कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। लेकिन अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ दोस्तों, मैं मान लीजिए इसको और बढ़ा देता हूँ, अब बताइए कितने त्रिभुज हो गए, तो आपको काउंट करने में इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसको इसी को हम मिनिमाइज़, हमारे टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए ही ये वीडियो लेकर आए हैं कि आपको कुछ ही सेकंड में ये काउंट आप कर सको। ठीक है, तो देखिए अब जो हम सीखने वाले हैं, अब यहाँ से चालू करते हैं। देखिए, हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, बिल्कुल आपको बेसिक से बताएंगे यहाँ पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये त्रिभुज है, ठीक है, अब इसमें हमको काउंट करना है कितने त्रिभुज हैं, तो इसको हम नंबर 1 देंगे और इसको 2। देखिए त्रिभुज का टाइप क्या है, जब त्रिभुज क्या है, लंबवत काटा जाए, क्या काटा जाए, जब त्रिभुज लंबवत काटा जाए, ये ट्रिक कहाँ पर लगेगी, जब त्रिभुज लंबवत काटा जाए, लंबवत काटा जाए। कैसा काटा जाए, लंबवत काटा जाए, अब ये लंबवत कटा है। अब देखिए त्रिभुज 1, 2, तो हमने लिखा ये वन लिख लिया, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ये 2। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, प्लस कर देना है, दोनों को प्लस करिए तो कितना आ गया, 3। तो ये हमारा आंसर है, यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक और अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये मान लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने वही ट्रिक अपनानी है, हमको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, 1, 2, 3। अब इसको कैसे बोलेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 + 3, 6। 6 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ऐसे ही हम अगले और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा, हम और आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। हाँ दोस्तों, तो आपके सामने ये क्वेश्चन रहे, फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस फिगर में जो इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है अपन को, क्या त्रिभुजों की संख्या बताना है, तो कैसे बताओगे आप,
शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है दोस्तों, ठीक है। हम आपको इससे भी शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, अभी तो फिलहाल आप ये देखिए, अभी और भी इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसमें कि आपका टाइम और भी बच जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4, ठीक है, तो आपको प्लस करना है 1 2 3 4। तो देखिए दोस्तों 3 3 + 3 6 6 + 4 10, तो कितना आ गया आंसर 10। आंसर क्या होगा 10, बस ये आपका आंसर है। अब देखिए इसमें सेकंड में 1 2 3 4 5, तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो आपको क्या करना है 3 + 3 6 6 + 4 10 10 15, तो 15 आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। देखिए बने रहिए हमारे साथ, आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मिलते जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये तो सेम हो गया है दोस्तों, तो एक और बढ़ा लीजिए आप, 6 कर लीजिए इसको 6। तो कैसे करना है आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब देखिए दोस्तों आप इसको जोड़ते जाओगे तो क्या आएगा 21, लेकिन इसको हम और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और भी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा नेचुरल नंबर का योगफल, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला फॉर्मूला आपने देखा है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, संख्याओं का योग, जो फॉर्मूला याद है आपको, नहीं है तो हम बता देते हैं, n n + 1 / 2। देखिए n कितनी है, 6 है, तो 6 + 1 / 2, देखिए कितना हो जाएगा 6 × 7 / 2, 2 × 3 = 6 और 7 × 3 कितना हो गया 21, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम और भी आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 1 1 2 3 4 5 6, और एक और बढ़ा लीजिए इसको 7 कर लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, ये नंबर ऑफ कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, तो n की वैल्यू कितनी है 7 7 + 1 / 2, मतलब 7 × 8 2 4 = 8, तो क्या आएगा 7 × 4 कितना जाएगा 28, तो ये आपका आंसर होगा। तो ये जो फॉर्मूला लगाया हमें, क्या लगाया, n n + 1 / 2, ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। इस फॉर्मूले की मदद से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही आपकी स्पीड आएगी दोस्तों। ये यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो एक बार फिर इसको लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो दोस्तों अगला टाइप ये रहा आपके सामने, क्या है, त्रिभुज को क्षैतिज भागों में अगर काटा जाए। देखिए अभी हमने क्या लंबवत देखा था, अब सेकंड टाइप में हमको क्या करना है, क्षैतिज भागों में काटा जाए, इस टाइप का देखना है। देखिए क्षैतिज भागों में ये काट दिया गया है त्रिभुज को। अब देखिए अब इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या है, तो आप क्या करोगे, त्रिभुज को गिनोगे, एक ये त्रिभुज, देखिए एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज एक, और एक ये वाला त्रिभुज। देखिए दोस्तों आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा ओवरलैप कर देता हूँ, एक बड़ा वाला त्रिभुज और सेकेंड ये, ठीक है। आप ये मत देखिए ये वाला छोटा, ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, ठीक है, ये वाला भाग त्रिभुज नहीं बन रहा है। कितने त्रिभुज होंगे इसमें, एक ये बड़ा वाला और एक ये ऊपर वाला, ठीक है, तो कितने टोटल त्रिभुज क्या हैं, 2, ठीक है, आप जान गए, अभी इसकी ट्रिक जानेंगे, अभी रुकिए। अब इसमें अगर हम बोलते हैं कितने त्रिभुज, तो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, एक ये ऊपर वाला त्रिभुज, एक ये ऊपर वाला, ठीक है, मतलब एक सबसे बड़ा, फिर उससे बीज वाला, और उससे सबसे छोटा, तो कितने त्रिभुज हो गए इसमें, 3 हो गए। देखिए दोस्तों अगर ये ज़्यादा हो जाते तो हमको गिनने में दिक्कत आती, तो सबसे आपको बिल्कुल बेस्ट ट्रिक बताते हैं, जब भी क्या है कि त्रिभुज को क्षैतिज भागों में काटा जाए तो हमको क्या, त्रिभुजों की अगर संख्या निकालनी है, त्रिभुजों की संख्या तो कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। त्रिभुजों की संख्या बराबर क्या होती है, क्षैतिज
रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या। देखिए अभी हम इसको 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। हर क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्वेश्चन होगा, आप 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर लोगे, किसकी मदद से, इस कॉन्सेप्ट की मदद से। अब देखिए इसमें क्षैतिज रेखा क्या है, देखिए दोस्तों ये एक नीचे वाली रेखा क्या है, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है और ये भी क्षैतिज रेखा है। तो एक और दो, कितनी रेखाएं, दो, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, दो। इसमें कितनी रेखाएं, एक दो तीन, तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, एक दो और ये तीन, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तीन। मतलब जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं उतनी ही संख्या हमको बताना है, 1 2 3 4, तो कितनी रेखाएं हो गई इसमें, फोर हो गई है। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, फोर। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप करके और इसका जो आंसर है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो बताइए 1 2 3 4। ये जो फिगर आपके सामने दिख रहा है ये आपको बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपको, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या बताना है आपको। ठीक है, तो आइए अगले टाइप पर हम चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों अगला टाइप आपके सामने रहा, देखिए अब हम क्या, हमने पहले लंबवत देखा था, फिर क्षैतिज भागों में कटा हुआ ट्राइंगल देखा था, अब क्या करते हैं हम दोनों भागों को मिक्स करके देखते हैं, मतलब दोनों भागों को साथ में देखते हैं, फिर ट्राइंगल काउंट करके देखते हैं कि हम कितना टाइम लगा पा रहे हैं। दोस्तों फिर हम आपसे बोल रहे हैं कि आप फिर बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि हम जो आज ट्रिक लेकर आए हैं आपके फिर टाइम को कम कर देगी और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कठिन से कठिन सॉल्व क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहा आपके साथ में, देखिए टाइप का नाम क्या है, लंबवत व क्षैतिज रेखाएं दोनों क्या हों, साथ में हों। ठीक है, तो ये देखिए लंबवत भी हैं और क्षैतिज दोनों साथ में आ रहे हैं, तो आपको काउंट करके बताना है। देखिए आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और बनाकर देखिए कि आप कितना टाइम लगा पा रहे हैं, और जिसके बाद में फिर हम सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि फिर कितना टाइम लग रहा है समझाने के बाद। ठीक है, तो देखिए पहला हमको ट्राइंगल इसमें काउंट करना है, तो पहला ट्राइंगल ये बना सबसे बाहर वाला 1। ठीक है, फिर क्या हो गया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। ठीक है, तो कितने ट्राइंगल हो गए, 6। अब देखिए दोस्तों ये तो छोटा फिगर था इसलिए हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया, अब देखिए ये बड़ा फिगर है तो इसमें आपको कितना टाइम लगेगा, और ये उससे भी बड़ा है तो इसमें कितना टाइम लगेगा। अगर ऐसे आप गिनते रहोगे तो आपके पास बिल्कुल टाइम बचेगा ही नहीं, जो क्वेश्चन आपको आ भी रहे हैं वो भी आप नहीं कर पाओगे, और ये भी निश्चित नहीं है कि आप पूरे के पूरे बड़े फिगर को आसानी से काउंट करके सही काउंट कर लोगे। क्यों, कई बार होता क्या है कि हमको जो ट्राइंगल बनता है लेकिन वो दिखता नहीं है, कभी कभी हम ज़्यादा ट्राइंगल गिन लेते हैं तो गलत होने की इसमें संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, 100% आपकी एक्यूरेसी आएगी। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इससे आंसर आपका निश्चित ही आएगा। देखिए दोस्तों कैसे हमको कॉन्सेप्ट वही लगाना है जो हमने पहले लंबवत में लगाया था, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2, फिर इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2, तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 1 + 2 कितना हो गया 3, और यहाँ पर कितना 1 + 2 कितना हो गया 3, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए कितना हो गया 6, तो आपका आंसर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो वही इसमें करना है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो आपको प्लस करना है 1 + 2 मतलब कितना हो गया 6, यहाँ पर भी कितना हो गया 6, यहाँ पर भी कितना हो गया 6, और यहाँ पर भी कितना हो गया 6, आप इसको काउंट करोगे तो कितना आएगा 24, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब इससे भी ज़्यादा आ गया तो आपको काउंट करने में बड़ी दिक्कत होगी, तो सबसे पहले क्या करोगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 2 और 3 कितना हो गया 6, ये आसानी से आपने कर लिया। अब क्या करना है, अगर ट्राइंगल की हम संख्या निकालेंगे तो क्षैतिज रेखाओं को गिनेंगे, 1 2 3 4 कितनी है, क्षैतिज रेखाएं कितनी है, क्षैतिज रेखा
कितनी है? 4। क्षैतिज रेखा कितनी है? 4। 6 × 4 तो कितना हुआ है? 20। देखिए आसानी से इसको कर पा रहे हैं ना। हमको ये भी नहीं करना है, हमको क्या करना है, नीचे वाला निकालना है और उससे जितनी क्षैतिज रेखाएं हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार हमको क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, कितने हो गए? 5। तो यहाँ पर 5 लिखिए। अब क्षैतिज रेखा कितनी है? 1, 2, 3, 4 तो कितनी है? 4। कितना आ जाएगा आंसर? 20। ठीक है, सॉरी 1 + 2 + 3 = 10, 15 आ गया। 15 × 4 तो आंसर कितना आएगा? 60। ठीक है, देखिए फिर आपको डबल से समझा देते हैं। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15 और यहाँ पर क्या है, इंटू क्षैतिज रेखाएँ कितनी है? 1, 2, 3, 4 तो 4 यहाँ पर लिख दिया तो इसके इंटू होगा कितना? 60। तो ये आपकी ट्राइंगल की संख्या हुई है, ठीक है, त्रिभुज की संख्या है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले टाइप पर हम बात करेंगे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों फिर आपका स्वागत है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, टाइप 4। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने रहे, टाइप 4 में क्या है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज देखना है हमको। क्या करना है? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको ध्यान दीजिए, इसमें जो त्रिभुज है इसमें बताया त्रिभुजों की संख्या बताना है आपको। क्या बताना है? त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो 1 ठीक है, ये 2, 3, 4 कितने त्रिभुज हैं? 4। अंदर ही अंदर कितने त्रिभुज हैं इसमें? 4। 1, 2, 3, 4 4 त्रिभुज ये हैं और एक ये बड़ा वाला बाहर का, मतलब कि 4 कितने हैं? 4 त्रिभुज तो इसके अंदर हैं और एक कहाँ पर है? बाहर है। ठीक है, तो क्या है हमारी ट्रिक, क्या रहेगी? अंदर के त्रिभुज, अंदर के जो त्रिभुज हैं उनकी संख्या प्लस बाहर वाले की संख्या। ठीक है, अंदर कितने त्रिभुज हैं? 4 और बाहर कितना है? 1। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? कुल त्रिभुज हो जाएंगे 5। तो आपका 5 क्या रहेगा आंसर? देखिए दोस्तों ये तो आपको गिनने के तरीका हुआ है, हम इससे भी शॉर्ट बताएंगे आपको। पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए कि कैसे हमने सॉल्व किया, उसके बाद ट्रिक। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगी तो आप ट्रिक के माध्यम से कैसे कर पाओगे? तो हमको सबसे पहले क्या आना चाहिए? बेसिक हमारा कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपका बेसिक हो गया किस तरीके से हमको निकालना है। सेम उसी तरीके से इसको निकालना है। तो आप देखो ये फर्स्ट 1, 2, 3, 4 4 ये हो गया और एक ये 5 का, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें 1, 2, 3, 4 और 4 ये हो गया और एक ये बड़ा वाला 5। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अंदर वाले त्रिभुज क्या है? अंदर, ठीक है, अंदर वाला त्रिभुज इसका सबसे अंदर वाले कितने त्रिभुज हैं इसके? 4। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, कितने? 4। अब वही बात यहाँ पर करेंगे, इसके अंदर वाले कितने, इसमें भी कितने होंगे? 4 होंगे और एक बाहर वाला, बाहर वाला हर हमेशा कितना रहेगा? 1 ही काउंट होगा। कितने होंगे टोटल? 9। तो इसका आंसर क्या होगा? 9। अब इससे भी शॉर्ट, ये तो आपका बिल्कुल, आपको ये कई बार देखा होगा आपने, हर कोई बताता है ऐसा, लेकिन हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए। तो हमको क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या गिननी है। कितनी संख्या गिननी है? त्रिभुजों की संख्या। तो जो आपको सबसे बड़े बड़े त्रिभुज जो नॉर्मली दिखते हैं वो त्रिभुज गिनना है। ठीक है, जैसे कि ये वाला त्रिभुज है और ये वाले त्रिभुज को हमने क्या किया, पलट कर रख दिया। ठीक है, ये बड़े वाले त्रिभुज पर इसको क्या रख दिया, इस वाले त्रिभुज को रख दिया। त्रिभुज कितने? 2। ठीक है, त्रिभुज कितने हैं, बड़े त्रिभुज जो हमको नॉर्मली दिख रहे हैं कितने? 2। ये 2 में से 1 माइनस करना है, कितना बचा? 1 त्रिभुज। और 1 त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज रहते हैं? 4। 1 त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज रहते हैं? 4। तो 4 तो ये हो गया और एक बाहर वाला, तो इसमें 1 प्लस कर देना है, कितना हो गया? 5। अब देखिए इसमें भी वही करना है दोस्तों, बड़ा त्रिभुज क्या हो गया है? 1 त्रिभुज, ठीक है, 2 त्रिभुज और ये इस वाले त्रिभुज को ये पलट कर रखा, कितने त्रिभुज हो गए? 3। ठीक है, कितने त्रिभुज हो गए? 3। तो 3 त्रिभुज की संख्या है 3। 3 में से एक माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 2। और 2 को प्लस इंटू करेंगे 4 से, क्योंकि त्रिभुजों की संख्या, एक त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं? 4 हैं, तो कितने हो जाएंगे? 8। और 8 में क्या करना है हमको? 1 प्लस करना है। ठीक है दोस्तों,
तो कितना हो गया 9। ठीक है, वही इसमें करना है। अब चाहो तो इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, लेकिन इससे करने में क्या होगा, आपको मिनिमम टाइम रिक्वायर रहेगा। आपको बस त्रिभुज गिनना है, बस और कुछ नहीं करना है, त्रिभुज गिनना है, उसमें से एक कम करना है और उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें एक जोड़ देना है, बस सिंपल सा है। ठीक है, देखिए कितने त्रिभुज हैं, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज 1, ठीक है, 2, 3 और 4। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, कितना आएगा, 3, यहाँ पर लिख देते हैं, कितना आएगा, 3। अब 3 से मल्टीप्लाई कितने का करना है, 4 का करना है, कितना हुआ है, 12। और एक बाहर वाला त्रिभुज तो उसको 1 करना है, प्लस 1 कर दीजिए तो आपका आ गया 13। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, इसके माध्यम से आप कितने भी कठिन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखिए अगला जो टाइप है हमारा 5th टाइप। अब क्या करना है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज को देखना है, प्लस उसमें से ये लंबवत काटा भी गया है। ठीक है, तो ये इंक्लूड कर दिया है, तो ये और हमारा थोड़ा सा टफ बन जाता है इससे। तो इस घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से देखना है। देखिए अभी जो फॉर्मूला लगाया था, अगर इस लाइन को अगर मैं हटा दूँ, मान लीजिए इस लाइन को मैंने हटा दिया, तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था त्रिभुज के अंदर वाला त्रिभुज, वही कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो क्या होगा, इसके त्रिभुज के अंदर वाला अंदर का त्रिभुज और एक बाहर का, तो कितने त्रिभुज हो गए हैं, 5। ठीक है, अगर इस पर मैंने ये लगा दिया, ठीक है, ये कट गई, तो फिर क्या करना है, अब इनको त्रिभुज में गिनना है, 1, 2, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर, कितने हो गए हैं, टोटल 6 हो गए। तो कितना होगा त्रिभुज, टोटल कितने त्रिभुज होंगे, 11 त्रिभुज होंगे। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 11। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ भी त्रिभुजों के अंदर वाले त्रिभुज की कॉन्सेप्ट को हमको देखना है। तो टोटल त्रिभुज कितने हैं, 1, बड़ा वाला त्रिभुज 1, फिर उसके बाद वाला ये वाला त्रिभुज 2 और ये 3। टोटल अंदर कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। तो 3 त्रिभुज हैं, टोटल त्रिभुज में से एक माइनस करना है, कितने बचे हैं, 2 त्रिभुज बचे हैं। और 2 को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8। और 8 में 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9। अब क्या करना है, 2 ये त्रिभुज हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो कितना कर दो, 6। तो आंसर कितना आ गया आपका, 15। 15 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको ये समझ में आता आ गया हो तो आप ये क्वेश्चन हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कर बताएं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आपको बाद में क्वेश्चन दे देंगे, जब आप वीडियो ख़त्म, ये वीडियो जब भी ख़त्म होगी तो आपको हम हर टाइप के क्वेश्चन दे देंगे। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए। हाँ तो दोस्तों, अगला जो टाइप है हमारा, जिसमें क्या है, सममित आकृति। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है आपका, लेकिन आपके लिए ही रखा है कि पहले सिंपल हम बेसिक समझ लेते हैं, फिर उसको टफ पर चलते हैं। फिर आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे होंगे, थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, और जो थर्ड वाला क्वेश्चन देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि इसमें कहाँ से हम कैलकुलेट करके बताएं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपके लिए हम बिल्कुल सिंपल से सिंपल ट्रिक लेकर आए हैं, जो आपको याद करने में भी आसानी हो और कोई भी क्वेश्चन आप क्या करो, आसानी से बना पाओ विद द एक्यूरेसी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में देखिए, ये ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो हमने क्या पढ़ा था, इसमें कितने, 1, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और एक ये 5, ये बाहर वाला, तो कितने त्रिभुज होंगे इसमें, टोटल 5 होंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही किया है हमने, लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें हमको तो पता है कि 5 है। अब ये सममित आकृति का मतलब क्या होता है, सममित, देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से गिनना है 1, यहाँ 2। ठीक है, फिर क्या करना है, 1 और यहाँ पर कितना देखना है, 2। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी गैप कितना है, 2 का है, और यहाँ पर भी कितना है, 2 का है। देखिए इधर के भी ट्राइंगल कितने हैं, 2 होने चाहिए, और यहाँ के भी कितने होने चाहिए, 2। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सममित। देखिए फर्स्ट 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, कितना हो गया, 3-3 का हो गया कि नहीं, देखिए डबल से गिनकर बताते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, समझ में आ गया। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो कितना हुआ है, 4-4। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इस टाइप के आपको जब क्वेश्चन आता है तो गिनकर देखना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको
ये शॉर्ट ट्रिक से करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए इसका तो आप क्या ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल करके निकाल सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो आंसर 5 आएगा। लेकिन हम क्या इस मेथड से कर सकते हैं इसको, तो वो करके हमको देखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम सममित आकृति में, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, कितना लिखना है, 1 2, कितने ट्राइंगल हुए, 1 2, ठीक है लिख लिया। अब इसको क्या करना है, इस वाले को सेम लिखना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है, 1, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये 2 को जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, तो कितना जाएगा बताइए, कितना जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्या करना है, इसको छोड़ना है, ठीक है, और इसको प्लस करना है, ठीक है। यहाँ से ऊपर से जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाना है, तो इसको छोड़ देना है, इसको प्लस करना है, तो कितना प्लस करना, कितना बचा है यहाँ पर, 1, तो 1 को और प्लस कर दीजिए, आपका आंसर क्या जाएगा, 5। तो ईजी है ना, तो आप एक बार और देखिए इसको, और अगर समझ में नहीं आता है तो अब आ जाएगा समझ में, क्योंकि अब हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर गिनना है, 1 2 3, तो लिख दीजिए, 1 2 3 लिख दिया। अब यहाँ से वही कॉन्सेप्ट करना है हमको, कि ये 1 है तो 1 सेम टू सेम लिख दीजिए, ठीक है। इसको प्लस कर दिए 2 को, तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 में फिर प्लस करोगे 3 को, तो कितना हो जाएगा, 9, सॉरी 3 को 3 में कितना हो जाएगा, 6। तो आपको प्लस करना है, कितना हो जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 6 कितना हुआ है, 10, कितना हुआ है, 10। अब फिर नीचे से ऊपर जाना है हमको, ठीक है। तो पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले को लेना है, और तीसरे वाले को फिर छोड़ना है, अल्टरनेट करना है, पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे को लेना है, तीसरे को छोड़ना है, चौथे को लेना है, ठीक है। तो आप यही करोगे, कितना करना है हमको, 3 को लेना है, तो 3 को प्लस कर लीजिए, कितना आ गया आंसर, 30। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, सिंपल है। अब इस वाले को देखिए, 1 2 3 4, तो आपको 4 तक गिनती लिखना है, 1 2 3 4 लिख लिया। तो 1 को सेम लिखना है, पहले वाले को 1 प्लस करोगे आप यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब 3 में 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, और 6 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10। आपको इनको सबको प्लस करना है, कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अब देखिए फिर जाना है आपको नीचे से ऊपर, इसको छोड़ना है और इसको लेना है, तो प्लस 6 लेना है, इसको छोड़ना है, इसको लेना है, तो प्लस 1 लेना है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 27। तो कितने इसमें ट्राइंगल होंगे, 27। देखिए दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल में ये वीडियो अच्छी लगी है, देखिए आपको इस चैनल पर हर टाइप की वीडियो मिलेंगी, GK, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, साइंस, आपको जो भी वीडियो चाहिए आप इस चैनल पर कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो की नीड है। और दोस्तों यदि आपको हमारा चैनल, हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।